हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज आइलैंड। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ सर्कल का एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम लेकर। जी हाँ दोस्तों, इस थ्योरम को मैंने क्लास 9 से पिक किया है। ये थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा की तरह ये वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद और बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो दोस्तों देखते हैं कि आखिर ये थ्योरम क्या है और किस तरह से बड़ी आसानी से, बड़ी आसान भाषा में इस थ्योरम को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और एग्जाम में यदि ये थ्योरम आता है तो जरूर से हिट करके आएंगे, जरूर से इससे सारे के सारे मार्क्स लेके आएंगे। तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, सीधे चलते हैं आज के वीडियो। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहले थ्योरम का मतलब समझ लेते हैं कि आखिर थ्योरम कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि मैं हमेशा थ्योरम सॉल्व करने में कहता हूं कि एक बार आप थ्योरम का मतलब यदि समझ जाएंगे कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है तो ऑलमोस्ट आपका थ्योरम प्रूव हो जाएगा। लगभग 70-80% आपको समझ में आ जाता है कि आपको क्या करना है। तो चलिए देखते हैं कि ये थ्योरम आखिर क्या कह रहा है। तो ये थ्योरम कहता है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब क्या हुआ कि किसी सर्कल में सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स इक्वल होते हैं। अब सेम सेगमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ आप देखेंगे दोस्तों कि एक सर्कल है, मान लेते हैं यहां पर एक आर्क है ए बी। तो दोस्तों ए बी आर्क से अगर हम सर्कल में एंगल बनाते हैं तो देखिए पहला एंगल यहां पर बनेगा तो ये एंगल डी मान लेते हैं, और यही ए बी से एक और एंगल बना लेते हैं इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, इसका नाम सी दे देते हैं। तो दोस्तों थ्योरम कह रहा है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, एक ही सर्कल में सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल्स इक्वल होंगे। सेम सेगमेंट कहने का मतलब एक ही आर्क से जितने भी एंगल्स बनेंगे इस सर्कल में, आप चाहे तो और दिखा सकते हैं, मान लेते हैं यहां पर अगर मैं एंगल दिखाऊं तो ये एंगल भी इक्वल होगा, ये सब के सब एंगल जितने भी एंगल्स बनेंगे इस सर्कल में, बट कंडीशन ये है कि एक ही आर्क से होना चाहिए, ए बी से ही होना चाहिए। तो इस सेगमेंट में जितने सारे एंगल्स बनेंगे सब के सब इक्वल बनेंगे, तो यही हमें प्रूव करना है। तो देख पाएंगे कि मैंने यहां पर एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है जिसका सेंटर ओ रखा है और यहां पर एक आर्क है ए और बी। तो इस आर्क से बना हुआ एंगल्स मैंने दो एंगल को दिखाया है, पहला ए डी बी और दूसरा ए सी बी। तो दिखाना है कि ये डी एंगल और सी एंगल इक्वल है, ठीक है। तो होप आप समझ पाए होंगे कि आखिर इस थ्योरम में हमें करना क्या है। अब देखिए मैंने गिवन में लिखा हुआ है कि आखिर हमारे पास क्या क्या है। तो गिवन में मैंने लिखा है कि अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल मैंने बनाया है जिसका सेंटर का नाम ओ दिया है, जैसे अभी मैंने बताया। साथ ही साथ मैंने लिखा एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो वही अभी मैंने बताया कि ए सी बी और ए डी बी यानी ये एंगल और ये एंगल दो एंगल्स बने हुए हैं सेम सेगमेंट में इस सर्कल में, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। तो जैसे अभी हमने समझाया कि थ्योरम क्या कह रहा है, क्या हमें प्रूव करना है, तो मैंने उसे लिख के दिखाया है कि टू प्रूव एंगल ए सी बी इक्वल्स टू ए डी बी, एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल ए डी बी। अब देखिए इसे प्रूव कैसे करना है। दोस्तों मोस्ट ऑफ द थ्योरम में हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है, कभी कभी कुछ लाइन को आगे बढ़ा देना होता है, कभी कभी कुछ पॉइंट्स को मिला देना होता है, बट इस थ्योरम में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये एकदम से बेसिक थ्योरम है और लेकिन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस बात को हमेशा माइंड में रखें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ये एंगल और ये एंगल कैसे इक्वल होता है। तो दोस्तों आप इस सर्कल को ध्यान से देखिए, तो आप देखेंगे कि ये आर्क है ए बी और इस आर्क पे तीन एंगल बने हुए हैं। पहला एंगल तो जैसे अभी मैंने बताया कि एंगल ए डी बी बना हुआ है, दूसरा एंगल ए सी बी बना है, और तीसरा एंगल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ए ओ बी, इस सेंटर पे जो एंगल बना हुआ है। तो तीन एंगल आप देख पाएंगे। अब यहां पर एक थ्योरम काम आने वाला है, हालांकि वो थ्योरम को मैंने अपलोड किया हुआ है, उस थ्योरम के भी वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं, यदि आप लोग वो देखे हैं तो सही है, नहीं देखे हैं तो फटाफट यहां आई बटन पे जो लिंक देख पा रहे हैं उसमें क्लिक कीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो यहां देखिए कौन सा थ्योरम आखिर यूज होने वाला है। तो दोस्तों इस एंगल और इस एंगल के बीच में क्या रिलेशन है वो देख लीजिए। तो दोस्तों जब कभी किसी सर्कल में एक ही आर्क में दो एंगल बने हुए होते हैं, एक एंगल सेंटर में बना होता है और दूसरा एंगल सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर बना होता है, तो ये एंगल इससे हमेशा हाफ होगा। क्या कहा मैंने, एक बार फिर से सुनिएगा, कि यदि किसी सर्कल में एक ही सेगमेंट से, देखिए यहां पर एक ही सेगमेंट मतलब कहने का है एक ही आर्क, तो एक ही आर्क में यदि दो एंगल बनते हैं, एक एंगल बन गया यहां पर सेंटर पे और दूसरा एंगल बन गया यहां पर
सर्कल के किसी भी पॉइंट पे, इसका अगर मैं डी नाम दे दूं इसका ओ, तो आप देख पाएंगे कि ये जो आर्क था ए बी, इसी के हेल्प से यहां पर एक एंगल बन रहा था सेंटर पे और दूसरा एंगल बन रहा था इस सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पे। तो जब इस तरह के एंगल्स फॉर्म होते हैं तो जो सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल बना हुआ होता है इससे ये हमेशा डबल होता है, यानी अगर ये 30 है तो ये 60 है। तो ये कैसे होता है इसका वीडियो मैंने बताया कि मैंने डाल रखा है, आप फटाफट उसे देख लें। तो यही यूज करना है हमें यहां भी, यहां पर भी सेम चीज है, ये एंगल इसके हाफ होगा, या कह सकते हैं ये एंगल इसके डबल होगा। तो चलिए लिखिए यहां पर कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू टू एंगल ए डी बी, टू एंगल ए डी बी कैसे होगा समझ में आया? अभी मैंने बताया कि थ्योरम से होता है कि ये एंगल हमेशा इसके हाफ होगा या ये एंगल इसके डबल होगा, तो वही लिख दिया। अब सेम टू सेम काम, अब सेम काम हम लोग करेंगे जस्ट उसके बगल वाले एंगल के साथ भी। देखिए ए ओ बी और ए सी बी दोनों में सेम रिलेशन है, जो अभी इस एंगल और इस एंगल के बीच रिलेशन, देखिए सेम टू सेम रिलेशन इस एंगल और इस एंगल के बीच भी है, तो उसके साथ भी हम वही लिख सकते हैं जैसे यहां लिखा है, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू टू एंगल ए सी बी। तो लिखिए एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू टू एंगल ए सी बी, तो इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं। अब देखिए दोनों ही इक्वेशन ए ओ बी का ही है, ए ओ बी इक्वल्स टू इतना और ए ओ बी इक्वल्स टू इतना, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू लिख सकते हैं ये इक्वल्स टू ये, तो लिख देते हैं टू एंगल ए डी बी इक्वल्स टू टू एंगल ए सी बी। अब दोस्तों यहां टू और टू कट जाएगा तो आपको मिल जाएगा एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी, एंगल ए डी बी इक्वल्स टू एंगल ए सी बी। यही हमें प्रूव करना था, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी प्रूव करना था कि ये दोनों इक्वल है। तो इस तरह से ये थ्योरम एकदम आसानी से प्रूव हो गया। तो इस थ्योरम के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको एक थ्योरम बढ़िया से समझना पड़ेगा कि आखिर सेंटर पे बना हुआ एंगल और इस सर्कल के किसी पॉइंट पे बना हुआ एंगल के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, वो थ्योरम आप पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपके लिए ये थ्योरम एकदम बच्चा वाला खेल हो जाएगा। तो दोस्तों होप आप इस थ्योरम को समझ पाए होंगे। तो दोस्तों आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिख के जरूर बताएं। मैं ऐसे ही एक एक करके 9-10 के सारे थ्योरम्स, चाहे वो ट्रायंगल से रिलेटेड हो चाहे वो सर्कल से रिलेटेड हो, आप लोग तक पहुंचाता रहूंगा। और यदि उसके बावजूद आप लोग को कोई टॉपिक या कोई थ्योरम समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे भी हमें कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हैं, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि वो थ्योरम जल्द से जल्द आप लोग तक पहुंचाऊं, साथ ही साथ वो टॉपिक भी आप लोग तक पहुंचाऊं। तो आज का वीडियो मैं यही एंड करता हूं, फिर बहुत जल्द मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, जी भर के लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिले। और ज्यादा से ज्यादा अपने भाई बहन दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर भी करें। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।